देख लीजिएगा, मेरे पास एक क्रीम चीज़ है, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है। ये आप ज़रूर इसको बनाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद इसमें जाएगी मायोनीज, चिकन पाउडर, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा लेमन जूस, ओरिगानो, शुगर, नमक बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है, पिंच, और काली मिर्च। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको थिक ही रहने दीजिएगा, इसमें पानी ना डालिएगा। अगर आप पानी या दूध शामिल करेंगे ना तो वो पतला पानी हो जाता है, इसलिए कि सब्जियां जो है पानी छोड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसमें डाल देती हूँ ये मैक्रोनी, ठीक है, जिसको बॉयल करके रखा हुआ है। हल्का सा मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें बंद गोभी जाएगी, इसको इस तरह से आपने कट कर लेना। इसी तरह से गाजर को भी कट करते हैं। तो मैं इसको बॉईल करके नहीं डाली सारी सब्जियों को, इसमें मैं इसको कच्चा ही डाल रही हूँ। बाद में कटिंग कर करके हम इसमें प्याज टमाटर वगैरह भी डाल देंगे। हेल्दी और मज़ेदार सैलड हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसमें जाएगी कैप्सिकम, ये जो मेरे पास है ऑलरेडी कटी हुई है, इसको भी हम थोड़ा सा कर लेंगे। ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ समझते हैं कि हम सिर्फ इसको उसकी कुक करके खानों में डाल के बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सैलड में भी इस्तेमाल होती है, बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, बस ये अभी शिमला मिर्च डालती हैं, उसके बाद इसके अंदर प्याज और टमाटर डालते हैं, सैलड हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। क्रीम चीज़ मैकरोनी सैलड। अच्छा, उबले मैकरोनी 1 कप, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1/2 कप, बंद गोभी 1/2 कप, चॉप्ड प्याज 1/2 कप, चॉप्ड टमाटर 1/2 कप, क्रीम चीज़ 1 कप, मेयोनीज 1 कप, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, ओरिगानो 1/2 चाय का चम्मच।